सर पे OnePlus का आत्मा को शांति दे। So, इस वीडियो में हम देखेंगे कि OnePlus कोई टक्कर देने के लिए एक नया फोन निकल चुका है Realme X2 Pro। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे OnePlus का फीचर्स और Realme X2 का फीचर्स क्या क्या है और डिफरेंस क्या है और क्यों इतना OnePlus से अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सब लोग को पता है कि OnePlus एक अच्छा ब्रांड है, कि अच्छा फोन निकल के आ रहा है, मतलब आ रहा है पीछे से OnePlus 1, OnePlus 2, उसके बाद OnePlus X निकल था, वो फ्लॉप हो गया, वो चला नहीं। तो OnePlus 3T, 1, 5, 6, 7, अब तो 7 चल रहा है। हालत ऐसे हो गया कि OnePlus को टक्कर देने के लिए एक नया फोन निकल चुका है, वो कि जो है Realme X2 Pro। क्योंकि OnePlus 7T में जो जो फीचर्स है, जो जो स्पेसिफिकेशंस है, वो सारे Realme X2 Pro में भी है, पूरा सारे के सारे सारा सेम है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या फीचर्स हैं OnePlus और Realme के अंदर। पहले OnePlus में दिया गया था 6.5 इंच फुल एचडी डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 850 प्लस क्वाड कैमरा और फ्रंट 16 मेगापिक्सल कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक और सब भी कुछ, और बैटरी 3800 समथिंग बैटरी था। उससे अच्छा ओप्पो रियलमी का है। तो रियलमी की बात करें तो रियलमी में दिया गया है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जो कि OnePlus में भी था, इसमें भी है। कम स्नैपड्रैगन 850 प्लस क्वाड कैमरा और फ्रंट 16 मेगापिक्सल कैमरा। और एक मेन डिफरेंस इन दोनों में है कि उनका बैटरी सारे सेम नहीं है। OnePlus का बैटरी 3000 एमएएच बैटरी थे और इसका 4000 एमएएच बैटरी। और OnePlus में फास्ट चार्जिंग है पर Realme के जैसे फास्ट चार्जिंग नहीं है। X2 Pro में चार्जिंग का टाइम में आपको 30 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा, मतलब आधा घंटे में पूरा फुल चार्ज, क्योंकि Realme में जो चार्जर दिया है वो वोक चार्जिंग चार्जर है। OnePlus में वैसे ही पुराने टाइप का स्मार्ट चार्जिंग दिया है, फास्ट चार्जिंग दिया है। इस वीडियो में हम देखें कि OnePlus और Oppo Realme का डिफरेंस क्या क्या है। तो आगे चलते हैं जानने के लिए वो क्यों इसे टक्कर दे रहा है और दोनों का प्राइस रेंज क्या है। प्राइस रेंज की बात करें तो OnePlus आता है 37,000, जो कि उसका 6G वेरिएंट है, और 39,000 जो उसका 8GB और 128GB का वेरिएंट है। X2 Pro में आपको 6GB 128GB मिल जाएगा आपका 27,000 समथिंग में, और 8GB 256GB मिल जाएगा आपको 29 के अराउंड। तो ये था इन दोनों का प्राइस में, प्राइस सेगमेंट में क्या क्या डिफरेंस है आप तो जान लिए। लास्ट में जानेंगे इन दोनों का रिलीज डेट। OnePlus 7T तो निकल चुका है, तो Realme X2 Pro जो है वो अभी नहीं निकला है, वो आएगा नवंबर 20 को आएगा। तो लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि इन दोनों फोन्स को कंपेयर करके आप देख लेना खुद, और जो भी आपको अच्छा लगेगा तो ले जाइए। वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।